Assalamualaikum friends, welcome to Graphics वाली सरकार और मैं हूं आपका दोस्त मलिक मोहम्मद सत्तैन। दोस्तों आज की क्लास हमारी सातवीं क्लास है और आपको बताऊंगा कि हम किस साइज पे किस कौन सी आउटलाइन लगाएंगे। आउटलाइन लगाना बहुत ज़्यादा मसला होता है डिज़ाइनिंग में, तो आपको मैं यहां पर दिखाता हूं कि कौन सी साइज पे कौन सी आउटलाइन सेट होती है। यहाँ पर हम कोई भी साइज लगाते हैं, 10x5 का मैंने यहाँ पर साइज लगा दिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई भी एक फॉन्ट उठा लेता हूँ। यहाँ पर गया मैं अपना ग्राफिक्स वाली सरकार, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको अपने ड्रा में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा साथ साथ कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैं सारे को यहाँ थोड़ा थोड़ा साथ कर देता हूँ, इससे आपकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैं इसको आगे ले गया और सारे को प्रेस करके अनग्रुप, और यहाँ पर मैंने क्यू करके कंट्रोल क्यू करके यहाँ पर मैंने वेल्ड कर दिया। वेल्ड कर देने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपने आउटलाइन कैसे लगानी है। नीचे मैं जो अपना वर्क एरिया है इसको ये कलर दे देता हूँ, या मैंने यहाँ पर ये कलर दे दिया। यहाँ पर देखें कि आउटलाइन अगर आपने लगानी है, यहाँ पर साइज है हमारा 10x5 पे आपने लगानी है। यहाँ पर F12 प्रेस करके एक बार आपने राइट क्लिक करना है आउटलाइन के लिए, और आपने यहाँ पर F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर 10 प्रेस कर देना है। 10 प्रेस करके आपने ये सारे ओके कर चेक कर देने हैं, ओके कर देने। ये देखिए दोस्तों, एक ये आउटलाइन है। इसके बाद एक और आउटलाइन आपको दिखाऊंगा आपको कैसे लगानी है। यहाँ पर मैंने एक कॉपी ले ली और इसको मैंने सिंपल ये वाला कलर दे दिया। ये वाला कलर देने के बाद मैंने इसको कर दिया 1.5 करने के बाद इसको इसके ऊपर ले गया। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर मैंने कर दिया ये वाला। एक ये वाली आउटलाइन होती है और ये वाली आउटलाइन जब भी आपने देनी तो अपने साइज के लिहाज से देनी है। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, यानी कंट्रोल न्यू टैब लिया है। यहाँ पर न्यू टैब खोलने के बाद मैं आपको बताऊँगा क्या आपकी आउटलाइन कैसे लगती है। यहाँ पर मैंने छोटा साइज दिया, तकरीबन 3x2 यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और अपनी इस सारी सेटिंग को उठा के ले गया अपने 2x3 में। ये देखे दोस्तों, यहाँ पर भी आउटलाइन आपकी बिल्कुल फिट आ गई है। आपने जो भी आउटलाइन देनी है वो यहाँ पर देखें कि आपने इंचेस में देनी है। अगर आप उधर फिटेज में देंगे तो यहाँ पर, अगर आप कोई और साइज में एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने कलर कैसे फिट करना है। जब भी आप कोई पेनाफ्लेक्स की प्रिंटिंग करते हैं तो पेनाफ्लेक्स के लिए हमें चार कलर होते हैं, सी, सियान, मजंटा, ये वाला येलो। इसके बाद हमारा होता है येलो RGB और CMYK, और उसके बाद हमारा काला ब्लैक कलर होता है। हमने जब भी डिज़ाइनिंग करनी है तो हमने ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पर CMYK, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक में करनी है। अगर हम पेपर वर्क के लिए काम कर रहे हैं तो पेपर वर्क के लिए भी यही होता है, और आपने दूसरी सिंपल जो इंक जेट मशीन है उसके लिए आपके लिए जो कलर होते हैं वो भी आपको बता देगा हूँ, RGB रेड और ये ग्रीन और ये ब्लू। यहाँ पर RGB और B, हमारे जो इमेजेस फोटोज होते हैं वो ज़्यादातर RGB होते हैं, और फिर हम उनको जब प्रिंटिंग में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हम CMYK कर देते हैं। तो दोस्तों, इस आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने आउटलाइन देना सीखी, और आउटलाइन देने के बाद हमने यहाँ पर CMYK कलरिंग के बारे में सीखा। तो दोस्तों, आने वाली क्लास में मैं प्रोफेशनल वर्क शुरू करने जा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।